हमारे जाने माने एक्टर सोनू सूद जी का आज पोल खोल है। किस तरह से देश को बेवकूफ बनाया, इतने शातिर दिमाग से, कमाल की एक्टिंग। मजदूरों का मसीहा, अनाथों का देव, भगवान, महात्मा, मैं ये सारी चीजें इसके लिए कह रहा हूं ना कि ये बहुत गजब के एक्टर हैं। जितने गजब के एक्टर ये पिक्चरों में दिखते हैं उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत एक्टर वो जमीनी स्तर पे इस समय मजदूरों के बीच में है। मैं आज आपको जो दिखाने जा रहा हूं ना वो देख के आपकी आंखें फट जाएंगी कि एक व्यक्ति, ऑलरेडी इतनी प्रसिद्ध व्यक्ति, क्या जरूरत थी देश को बेवकूफ बनाने की मजदूरों के नाम पे। इतना भावनात्मक मामला है ये। आपको क्या मिला गरीबों का मजाक उड़ा के? आपने लाखों लोगों को भेजा, वाकई बताऊं मैं? आज मैं आपकी का पोल खोल करने के लिए बैठा हूं सबूतों के साथ में, और तमाम लोगों से निवेदन है ये वीडियो पूरे भारत में पहुंचना चाहिए। एक असलियत, एक अभिनेता की पता नहीं क्या लालच है उनके मन में, और उन्होंने पूरे देश को इस तरह से बेवकूफ बनाया जो शायद ही इतिहास में कभी कोई बना पाए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एक पेन पेपर ले लीजिए और जो मैं कहता हूं वो नोट करना चालू कर दीजिए। आपको असलियत देखना है, आप खुद चेक करिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। शुरू करते हैं। अप्रैल 2020 को बांद्रा में मजदूरों का आंदोलन होता है। उसके बाद में उसी घटना में मुझे भी जेल होती है और सारी दुनिया में ये मामला उड़ जाता है कि मजदूर फंसे हुए हैं, उनको घर पहुंचाना है। एक कलाकार, एक एक्टर सोनू सूद, उसको लगता है इतने बेहतरीन अवसर है, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं उस शातिर दिमाग का जिसने आपको ये सुझाव दिया कि इस तरह से आप करिए। एक छोटी सी घटना ये करते हैं। थाना से कर्नाटका गुलबर्गा के लिए 10 बसेज ये खरीदते हैं भाड़े पे और उसे मजदूरों बना के पहुंचा देते हैं। दिल से सलाम, ऐसे कामों को नमन है। आपको सलाम, हजारों लाखों की संख्या में सलाम। लेकिन उसके बाद फिर चालू होता है सोशल मीडिया का दौर। सोशल मीडिया पे दनादन दनादन ट्वीट्स आने लगते हैं कि मैं यहां फंसा हूं, मैं वहां फंसा हूं, और यही से असली खेल शुरू होता है। सोनू सूद मसीहा बन जाता है इन्हीं ट्विटर के माध्यम से। दनादन ट्वीट्स आती हैं, भाई साहब लाखों की संख्या में लोगों को घर पहुंचाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या वाकई में कोई घर पहुंचा? क्या वाकई में वो बसेज, वो ट्रेनें वो चली? क्या वाकई में वो बंदे घर पहुंचने के बाद फिर सोनू जी को वीडियोस बना बना के जो आती थी सारी चीजें हुई? मैं आज उसी की आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं और चाहता हूं कि आप उसे खुद से पहले चेक करें, फिर इसे लोगों तक पहुंचाएं। सोनू सूद जी का ट्विटर हैंडल है, उस पर उनको हजारों मैसेज रोज आते हैं, मैं यहां फंसा हूं, वहां फंसा हूं। मैंने भी चेक किया कल तक, जब तक संजय राउत जी और शिवसेना ने यह मामला नहीं उठाया था तब तक मैं भी यही समझता था कि सोनू सूद जी जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं, मजदूरों का भला कर रहे हैं। लेकिन कल जब शिवसेना में यह मामला सामना में जब यह मामला आया तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि धुआं उठा है, तो कहीं ना कहीं आग भी लगी होगी। बस वो मैं आग की तलाश में इनके ट्विटर हैंडल पे पहुंच गया और इनकी सारी पोल वहां पे खुल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने जितनी भी रीट्वीट्स की हैं, अगर आप उसे देखें तो उसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है। वो पैटर्न ऐसा है कि जिस जिस आईडी को इन्होंने रीट्वीट किया है, ज्यादातर आईडीज, अगर उस आईडी के अंत में 8 संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस तरह का अगर पैटर्न है किसी नाम के, किसी ट्विटर आईडी के साथ में, तो वो बना हुआ है अप्रैल 2020 का। सारी की सारी आईडीज ट्विटर पे, जितनी भी आईडीज हैं जिसपे की लास्ट में संख्या लिखी है, कुछ भी हो सकता है मिक्स, टोटल 8 संख्या, 8 डिजिट होगा, वो सारी की सारी आईडीज अप्रैल में बनी हुई हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, आप खुद चेक करिए। मैं कुछ आईडीज देता हूं, आप नोट करिए और उसे ट्विटर पे जाके देखिए। पहली आईडी है अनुराग वी, ANURAGV235222214, लास्ट में 8 संख्या है, टोटल 8 डिजिट है। ये आईडी बनी है अप्रैल 2020 में। दूसरी आईडी लिखिएगा बाबूराम, BABURAM 3425 0042, ये भी 8 है और इसकी जो आईडी बनी है ये भी अप्रैल 2020 की बनी है। तीसरी आईडी लिखिएगा निधि, NIDHI 7649 5201, ये भी 8 है और ये आईडी भी जो बनी है अप्रैल 2020 में बनी है। एक और लिख लीजिए, चलिए देता हूं और, प्रकाश, PRAK
ASH 7109-0351, ये भी आर्ट। और टोटल ये जो आईडी बनी है अप्रैल 2020 में बनी है, सारी की सारी आईडीज 2000, ये जो पैटर्न वाली आईडीज हैं ये 2000 अप्रैल 2020 में बनी है। संयोग था या प्रयोग था ये? चलो एक आदमी का हो सकता है, दो आदमी का हो सकता है। मेरे पास 25 आईडीज की लिस्ट है जिसमें ये पैटर्न मिला है मुझे। ये सारी की सारी आईडीज अप्रैल 2020 में बनाई गई है, नई आईडीज हैं, और उस आईडियो के ऊपर 10 से 15 फॉलोअर्स हैं और उसको इन्होंने रीट्वीट किया है। आपको पता है ये सब आईडीज में खास बात क्या है? ये सारी आईडीज, अधिकतर आईडीज में छोटे बच्चों को वीडियोस बनाया गया है जिसमें थैंक यू सोनू सूद कहा जा रहा है। कुछ लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं कि हम घर पहुंच गए आपकी वजह से, वो वीडियोस को रीट्वीट किया गया है इन आईडियो से। और ये सारे आईडीज, चलो एक आईडी में 8 का पैटर्न हो सकता है, 6 भी संख्या हो सकती थी, 4 भी हो सकता था, लेकिन 8 का आंकड़ा लगभग आईडीज में। और सबसे बड़ा खुलासा मैं आपको करने जा रहा हूं, जोक बना दिया है देश के साथ में, मजदूरों के साथ में। एक आईडी है यतेंद्र 2015, YATENDRA2015। ये कितनी चमत्कारिक आईडी है कि इस पे सोनू सूद जी ने रीट्वीट किया था 9:38 पे PM शाम को 31 मई 2020 को, जिसमें इन्होंने लिखा था, पहुंच गया भाई, घर वालों को सलाम देना। ये बंदा घर पहुंच जाता है, मुंबई में फंसा हुआ था, घर पहुंच जाता है और वहां पे रीट्वीट आती है कि घर पहुंच गया, घर वालों को सलाम देना। रीट्वीट सोनू सूद जी ने खुद किया हुआ है। उसके बाद यही आईडी यतेंद्र YATENDRA2015 वापस से ट्वीट करता है 6 जून 2020 को सुबह 11:55 AM पर कि सर जी हमको भी भेज दो मुंबई से उत्तर प्रदेश। ये व्यक्ति जिसका रीट्वीट ऑलरेडी हो चुका है कि घर पहुंच गया 31 मई को, वो बंदे से वापिस इसको सोनू सूद जी को ईमेल आती है कि सर जी हमको भी भेज दो मुंबई से उत्तर प्रदेश। आईडी कम पड़ गई थी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से उसी आईडी को इस्तेमाल किया गया सारा चीज। अब नया ये हो रहा है कि जितने भी लोगों की रीट्वीट हुई थी वो सारी रीट्वीट डिलीट की जा रही है। मैं ये जो आईडीज आपको दे रहा हूं ये भी शायद डिलीट हो जाएगी वीडियो के बाद से, आप लोग तुरंत उसे चेक करें। दूसरा है घर पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे, जैसे मैंने यतेंद्र का बताया, ऐसी संख्याएं अब बढ़ रही हैं। उसी आईडियो से वापस मदद की गुहार लगाई जा रही है और सोनू सूद जी उसको रिप्लाईज दे रहे हैं। 90% जो इनकी रिट्वीट्स की जो आईडीज हैं वो पिछले 1 महीने में बनी है। मैंने भी मजदूरों को भेजा है, बहुत सारे लोग भेजते हैं। मजदूरों की जो हालत है वो स्मार्टफोन ट्विटर इस्तेमाल करने की, वो थोड़ी सी मुझे संदेहास्पद लगी। मजदूरों के पास कीपैड फोन होती हैं, बहुत ज्यादा पैसा या कुछ अच्छा हो गया तो 1500 का जियो मोबाइल ले लेते हैं यूट्यूब वगैरह देखने के लिए। और अगर किसी के पास अच्छा भी फोन है, स्मार्टफोन रखता है, तो बंदा ट्विटर यूज बहुत कम करता है, फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे रह जाते हैं। ये मजदूरों का पैटर्न है जो हमने जमीनी हकीकत पे देखा था। अगर आप किसी से रिट्वीट भी कराते हैं तो हर आईडी एक जैसी कैसे हो सकती है? मैं कुछ आईडीज आपको देता हूं। दिलावर बारूबाई 2 करके 11, ये मई 2020 की है। मई 2020 में एक पैटर्न है कि अंडरस्कोर इस्तेमाल हुआ है, पहला नाम अंडरस्कोर दूसरा नाम और कुछ डिजिट, एक दो डिजिट। ये सारी आईडीज जो है ये मई सन 2020 में पड़ी। आप रिट्वीट देखिए, सोनू सूद के जाके रिट्वीट देखिए, उसके रिट्वीट पे दिया हुआ है सारा। एक फिक्स पैटर्न में मई के अंदर अंडरस्कोर रहेगा, अप्रैल के अंडर में लास्ट में 8 डिजिट रहेंगे, ये आप चेक करिएगा। ये क्या है मुझे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कहीं मैंने पढ़ा उनके ट्वीट के अंदर ही था, करीबन 70,000 लोगों को इन्होंने घर भेजा है। लोग लाखों में कहते हैं कि मसीहा बना दिया कि 70 लाखों मजदूरों को सोनू सूद जी ने घर पे भेजा है, मानता हूं भेजा होगा। 70,000 का आंकड़ा इन्होंने कहीं ऑफिशियली दिया हुआ था, मैंने देखा है। अगर 70,000 मजदूरों को घर भेजना है और उसमें से समझो 20,000 लोगों को निकाल दो, 20,000 मजदूरों को जिनको ट्रेनों से भेजा गया, जिसका फ्री है, श्रमिक ट्रेनों से भेजा है इन्होंने, मान लेते हैं जो 50,000 लोग बचे हैं उनको अगर बस फ्लाइट या किसी भी चीज से आपने भेजा होगा तो उसके पैसे दिए होंगे, आपने दिए होंगे, अपने जेब से दिए होंगे, ये भी मान्य करता हूं। पर हेड मैंने भी लोगों को भेजा है, मुझे पता है बस का कितना खर्चा आता है, ट्रेन अब फ्लाइट का कितना खर्चा आता है। मैं एक एवरेज खर्चा लेके चलता हूं, 4,000 रुपये मिनिमम इतना आता ही आता है, सिर्फ अगर कॉस्टिंग वाइज अगर बसें जा रही हैं। 4,000 रुपये अगर एक व्यक्ति का आप पकड़िए एवरेज खर्चा, तो 50,000 लोगों का करीबन 20 करोड़ रुपया खर्चा होता है। जो व्यक्ति
एक ट्वीट मारने का 5 से 10 लाख रुपया चार्ज लेता हो, वो 20 करोड़ रुपया मजदूरों पे खर्चा करेगा। मैं मानना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सोनू सूद जी बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है, उनकी बहुत अच्छी पीआर एजेंसीज हैं, उनकी बहुत अच्छी न्यूज चैनलों से, उनके एंकरों से, उनके संवाददाताओं से अच्छी पहचान है। उसका भरपूर इस्तेमाल इस मजदूरों के आंदोलन में किया और उसका फल क्या मिला उन्हें? पेप्सी की एड मिली है उन्हें। कितना खर्चा हुआ? 54। मिला कितना? 2 रुपया। पेप्सी की एड का मतलब आप जानते हैं, सलमान भाई करते हैं उसे, अब सोनू सूद कर रहे हैं। यही होता है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलिए। और मैं सबूत रखा हूं, आप खुद वेरीफाई करिए, मेरे ऊपर मत विश्वास करिए भाई। मैंने रखा है ट्विटर का खेल, सोशल मीडिया का खेल। इनकी खुद की बनाई हुई आईडीज हैं, इन्होंने रिट्वीट किया, अपने ही आईडी से रिट्वीट किया और उनको घर भी पहुंचा दिया। ऐसे लोगों को घर पहुंचाया जो व्यक्ति है ही नहीं। मैं मानता हूं कि पहले शुरुआत में बस किया, 15-20 दिन बस चला, उसके बाद श्रमिक ट्रेनें चालू हो गई, श्रमिक ट्रेनें खेलने लग गए, बाद में सोचे कि अब श्रमिक ट्रेनें 31 मई को बंद हो गई और पूरे देश में श्रमिक ट्रेनें जा नहीं रही हैं, तो अब क्या किया जाए? तो आती है फ्लाइट का नंबर। फिर भाई साहब ने एक पूरी फ्लाइट बुक की, कितना खर्चा हुआ होगा? 7 से 10 लाख रुपया। और उसको ब्रांडिंग और मसीहा बना के अब उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने कैंपेन में? प्रोडक्ट्स के ऑफर आएंगे, ब्रांडिंग होगी, हर प्रोडक्ट उनको अपने लिए एडवर्टाइज में लेना चाहेगा। ये सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया अपने ब्रांडिंग के लिए और बन गए मजदूरों के मसीहा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इनकी जितने भी इन्होंने मदद की है बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छा उम्मीद था, लेकिन तरीका इन्होंने लोगों को जो बेवकूफ बनाने का किया है बहुत ही घटिया कर किस्म का है। और अगर आप लोग खुद चेक करें आपकी आंखें खुल जाएंगी, सोनू सूद जी कितने बेहतरीन एक्टर हैं बेवकूफ बनाने में जनता का। आप लोगों को इस तरह की वीडियोज मैं आपको देते रहूंगा। अगर आप अभी तक मेरे पेज से नहीं जुड़े हैं तो कृपया मेरे पेज फेसबुक पेज से जुड़े, उसका नाम है द विनय दुबे, THE विनय VINAY दुबे DUBEY, जिसपे करीबन 96,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। और अगर आप ट्विटर पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है @THE_VINAY_DUBE। आगे भी इस तरह की पोल खोल होती रहेगी और तथ्यों को आप खुद चेक करें, वीडियो सारे भारतीयों तक जरूर पहुंचाए, खास तौर पे मजदूर वर्ग को, और खास तौर के उन चैनलों के मुंह पे तो ये वीडियो जरूर मारे, इस तरह ये जो जानकारियां मैं दी हैं इसे गलत साबित करें, या ये सही है तो सोनू सूद जी ने लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खेला, क्यों उनकी देश को बेवकूफ बनाया, ये सवाल उठना लाजिम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।